यूपी के मथुरा में बॉलीवुड ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी ने मथुरा से भरा पर्चा, कहा ये मेरा आखिरी चुनाव। नामांकन से पहले हेमा मालिनी ने सीएम योगी के साथ बांके बिहारी मंदिर के किए दर्शन, कहा कामों को याद करेगी जनता। हेमा के सामने कांग्रेस से महेश पाठक, भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने सोमवार को मथुरा लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। इससे पहले बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बांके बिहारी मंदिर में दर्शन किए। योगी ने बांके बिहारी मंदिर की विजिटर बुक में संदेश भी लिखा और केंद्र में भाजपा की जीत के लिए आशीर्वाद मांगा। हेमा मालिनी ने कहा कि ब्रजवासियों को उनका आशीर्वाद मिलेगा, वह मुहूर्त देखकर आई हैं और पूरी पार्टी उनके साथ है। हेमा मालिनी ने कहा कि वह वन टाइम वाली नहीं है, मैंने वर्षों तक फिल्म इंडस्ट्री में काम किया, ये मेरा आखिरी चुनाव होगा, इसके बाद चुनाव नहीं लड़ूंगी। ऐसे में 5 साल में कुछ ऐसा मथुरा के लिए करके जाऊंगी कि यहाँ जनता मुझे याद करेगी। भाजपा ने हेमा मालिनी को एक बार फिर मथुरा लोकसभा सीट से उम्मीदवार घोषित किया है। हेमा मालिनी के सामने कांग्रेस से महेश पाठक को उम्मीदवार किया है। कुछ आपने सब मुहूर्त देखे यार। हेमा जी कितनी पार्टी पूरी एक है आपके साथ? पूरा पार्टी मेरे साथ है, ऐसा कुछ नहीं कि कोई नहीं बोली जा रहा है, एवरीबॉडी टुगेदर। चलिए अभी सपना चौधरी यहाँ आ रही थी और आते आते नहीं आई कांग्रेस ने। अभी इतनी बात बहुत है, लौट के आएंगी तो दोबारा।